हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज की सुबह कितनी अच्छी है। सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप निकल गई है अच्छी सी। वैसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि फॉल स्टार्ट हो गया है, लेकिन आज मौसम थोड़ा अच्छा है। हवा इतनी नहीं चल रही और ठंड भी नहीं लग रही इतनी। देखो पड़ोसियों ने तो सुबह सुबह अपने फ्लावर्स में पानी भी दे दिया है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये मेरा नाश्ता रेडी है। नाश्ते में है चाय, थोड़ी सी मैं कड़क चाय पीती हूँ, ज़्यादा दूध वाली मुझे पसंद नहीं है। चाय, रोटी और अचार। और मेरे हस्बैंड पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इनको आइल्स देना है, मुझे भी देना है, तो बस मैं भी नाश्ता करके पढ़ाई करूँगी और उसके बाद बनाते हैं कुछ स्पेशल खाना। अब मेरी बारी भी आ गई है तो मैं भी पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी सी। और आप क्या कर रहे हो? रीडिंग कर रहे हो, चलो सही है। तो जो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आइल्स का, जिनको पता होगा कि इसमें रीडिंग भी एक पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, ये सब जो आइल्स एग्ज़ाम देते हैं पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, उनको सबको पता होता है। तो अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। तो पढ़ाई कर ली है हमने ख़त्म और रूम को सेट कर दिया है। यहाँ मेरा टेबल भी सेट हो गया और ये भी हमने सारी साफ सफाई कर दी है। और किचन में क्या हो रहा है दिखाते हैं। तो ये मैंने सेवइयाँ बना दी थी, ये सूखी वाली बनाई थी घी डाल के और ड्राई फ्रूट्स डाल के। और ये देखो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं पनीर की सब्जी। कौन सी सब्जी बना रहे हैं? कढ़ाई पनीर। तो फिर से किचन का सामान तो बिखर गया है ऑफिस। तो ये ग्रेवी तैयार हो गई है, ग्रेवी तो रेडी हो गई है। मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं क्योंकि आजकल सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाती और वैसे भी आज छुट्टी है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं बना देता हूँ। सॉस ही डाला है। वैसे अभी 1 बजे है, 1:20 एक से ज़्यादा कर 1:20 हो गया। हाँ 1:20 हो गया, मुझे लगा 1 ही बजे अभी तक। तो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। साथ में सुमित भी रेडी हो गए। तो ये चादर, वो पहले जो हमने चादर बिछाई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। ये अभी अभी सूटकेस खोली तो एक चादर पिंक कलर की मिल गई, तो मैं वो लगा देती हूँ, ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये चादर अच्छी लग रही है क्योंकि ये नई है। हम अभी कुछ सामान निकाल रहे थे सूटकेस से, तो तब देखा हमने कि एक नई चादर पड़ी है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था, हमारे पास सिंगल बेड की चादर ही नहीं थी, फिर वो वाली बिछाई। तो अब और चले। हाँ। अभी कितने बज रहे हैं? 2:30 बज गए। हाँ। वैसे उसने मैसेज तो किया था कि 1:15 को वो बैठ गई है। ज़्यादा धूप हो गई है, पहले इतनी धूप नहीं थी। सुबह तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी और अभी देखो कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। टेम्परेचर 32 है और गाड़ी धूप में खड़ी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, गर्म हो जाती है।
बहुत ज़्यादा ही गर्मी है अभी तो। ये देखो इतनी तेज धूप है, सोचा नहीं था कि इतनी धूप हो जाएगी अचानक से। चल पड़े कि अभी तो दोपहर ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया में ही बैठे और वहां पे बहुत ज्यादा तेज धूप हो गई है जिसके वजह से लोग बाहर नहीं है, है ना। आज हॉलिडे है ना, सीट बेल्ट नहीं लगाया क्या मैंने। ये देखो यहाँ की बसेस देख लो, मैंने सुबह बोला था कि बिना गाने तो चलना ही नहीं है, गाना हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं उससे पहले बस गाना स्टार्ट। तो मैं ये कह रही थी कि सुबह मैंने बोला था कि यहाँ पे थोड़ी ठंड सी हो गई है, तो ठंड होती है कभी और अचानक से एकदम से गर्मी हो जाती है। वैसे अभी जो हवा है कभी कभी वो बहुत तेज चलती है तो जिसकी वजह से ठंड लगती है। लाल हो गए हाँ, थोड़े थोड़े वैसे लाल होने स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि फॉल स्टार्ट हो गया है। तो फॉल बहुत ही सुंदर होता है, आप देखेंगे तो ऐसा, मैं वीडियो में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाती लेकिन जब आप खुली आंखों से देखते हो अपने आप तो बहुत ही सुंदर होता है। मन करता है कि आप बैठे बैठे उसे देखते रहो, रंग बिरंगे पत्ते। और जब आप कंट्री साइड जाते हो तो वहाँ पर इतना सुंदर लगता है कि जब आप खुद देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ बहुत ही सुंदर है यहाँ पे नेचर। तो चलिए चलते हैं, अभी कर लो अपने, तो मैं दिखा दूँ कौन सा, सुना दूँ कौन सा गाना, राज्य पंजाबी का सॉन्ग। तो थोड़ा हलो करना। तो राजू पंजाबी, जब से उनकी डेथ हुई है तो मेरे हस्बैंड रोज़ उनका ही गाना सुनते हैं। इनको पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा है उस चीज़ का, तो बस उस वजह से उनके ही गाने सुनते रहते हैं। तो अभी 3 बजने वाले हैं और निकल चुके हैं। तो वैसे हमें बता दूँ हम कहाँ जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, अभी यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं। पता नहीं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या इश्यू आया है कि मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, पता नहीं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई। तो मैं यही बता रही थी कि इंडिया से मेरी सिस्टर आ रही है तो वो बस अभी लैंड कर गई होगी और 3 बज गए थे तो हम उसको लेने जा रहे थे और यही सारी बातें मैं बोलते जा रही थी। और अब वो सारी पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, वीडियो तो रिकॉर्ड हुई है। कुछ ही पत्तों का कलर चेंज हुआ है, बाकियों का अभी भी ग्रीन है। 15 डेज और शायद हो जाएंगे इन सारे पत्तों का कलर एकदम रेड येलो, किसी का पर्पल भी होता है। तो मैं आपको तब वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी फॉल की। आज ट्रैफिक कम है। हाँ वैसे आज ट्रैफिक कम है, क्या छुट्टी है। हाँ आज यहाँ पे हॉलीडे है, मंडे है और यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है लोग चिल कर रहे होंगे। कभी कभी तो ये होता है कि बस निकल जाते हैं और निकलते ही रहते हैं, एक भी रेड लाइट नहीं मिलती। अभी 3 बज गए हैं लेकिन अभी तक मनीषा का कोई मैसेज नहीं आया कि वो लैंड कर गई। तो अभी हम सोचे तो गाड़ी धो लेते हैं, ऑटोमेटिक ही है तो 5 मिनट ही लगेंगे।
वैसे भी अंदर से तो धोनी नहीं है ना, बाहर बाहर से धोनी। तौलिया चेंज ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में हमारी गाड़ी धुल जाएगी। आज भीड़ है, जनरली इतनी भीड़ नहीं होती आज, पता नहीं आज, हाँ छुट्टी है ना सबकी, तो इसीलिए शायद भीड़ है। टायर साफ कर देगा, टायर चक्कर ये गाड़ी को सुखा देंगे। जब अंदर जाती है गाड़ी तो ऐसा लगता है ना, पता नहीं कहाँ चलेगा एकदम से, तो पहली बार जाओ तो डर लगता है, लेकिन अभी तो बहुत कॉमन लगता है। वैसे मनीषा का मैसेज नहीं आया अभी तक, तो यहाँ से बस 5 मिनट के ही दूर पे है एयरपोर्ट, तो सोच रहे हैं गाड़ी के गीली है गाड़ी, तो बस कपड़ा मार दे। रोड पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ बहुत भीड़ है, यहाँ पे पता नहीं क्या देख रहे हैं, वीडियो बना रहे, बट किस चीज की बना रहे हमें नहीं पता। उड़ रहे कहाँ? वो उड़ के वो कर रहे हैं ना। अच्छा स्पेशल लोड टर्मिनल 1-3, ये दो ही टर्मिनल है क्या? अच्छा वैसे मनीषा का मैसेज तो नहीं आया, ये है एयरपोर्ट सामने, बट हम सोच रहे हैं कि एक बार राउंड मार के देख ले, पार्किंग तो हमें यहाँ देंगे नहीं, बट कभी कभी होता है कि वाईफाई कनेक्ट नहीं होता और इंसान बाहर निकल के सोचता है कि खुद ही आ जाएंगे, टाइम तो हो गया है, क्योंकि फ़्लाइट ने टेक ऑफ 1:30 कर लिया था और अभी 2 घंटे हो गए हैं, 3:30 से भी ऊपर हो गए और कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं, तो वही सोच रहे हैं कि हुआ क्या है, तो एक बार देख लेते हैं जाके कि क्या हो रहा है। अगर वो बाहर आ गई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर जाके फिर गाड़ी पार्क लगा के वेट करेंगे। कितने हाँ कुछ शो हो रहा है यहाँ पे, इस साइड से नहीं दिख रहा, इस साइड उसके लिए आऊंगा मैं, गाड़ियाँ मुड़ गई।
एक बार तो हम देख के आ गए हैं, वहाँ गए थे और फिर हमने देखा कि अगर बाय चांस बाहर निकली हो, खड़ी हो, तो हम ले आएंगे, लेकिन वहाँ वो है नहीं। तो अभी सोच रहे हैं कि वापस जाएं, वापस जाके गाड़ी तो पार्क करने दे नहीं रहे, तो मैं वहाँ उतर जाऊंगी और मैं देखती हूँ एटलीस्ट कोई अगर वहाँ पे काउंटर होता है इंक्वायरी का तो वहाँ पे देख लूँगी कि क्या चल रहा है, वरना ऐसे तो टेंशन होने हो लग गई है। 4 बज गए और अभी तक कोई खबर नहीं, तो देखते हैं। हम वापस आ गए थे, यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन अभी अभी बस उसका फ़ोन आया मनीषा का कि वो उसकी जो फ़्लाइट टेक ऑफ हुई थी वो 3 बजे हुई थी, तो अभी 4 बज रहे हैं, तो अभी उसकी लैंड हुई है और वो बोल रही है 10-15 मिनट लगेंगे, तो हमें फिर से राउंड लेके आना पड़ेगा। पर एटलीस्ट ठीक है, फ़ोन आ गया और हमें पता चल गया कि वो सेफली लैंड कर गई है, तो मिलते हैं 10-15 मिनट में उससे। वो बिक्तर पाओगे उड़ा तो फाइनली मनीषा पहुंच गई है, और हम भी पहले वहां गलती से टर्मिनल 3 पे पहुंच गए थे, बाद में इसने बाहर आके बोला टर्मिनल T1 पे, इसने बोर्डिंग पास भेजा उस पे कुछ लिखा ही नहीं था, तो हमने सोचा T3 पे है। तो पानी भी कटवा लिया, पानी भी निकलवा लेते हैं वापस जब चेकिंग करते हैं। दिल्ली में तो कौन निकलवाया, भरया पड़ा पूरा मॉन्ट्रियल में। हां मॉन्ट्रियल में करे हैं, 30 वापस वो जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो ही करो, फिर बोतल मिलेगी। हां यूं ही करें, मोस्ट टाइम कहीं भी किले में पानी पी के बे खत्म कर दूं ना, वापस पानी पे जाके आना पड़ेगा, फिर बाहर जाके पानी पी के खत्म करके फिर वापस वो सारा चीज चेक करवा के फिर वापस आए। मना करी ना, मतलब डिले कर दे रहे, फ्लाइट का भीतर बिठा दे, फिर अनाउंसमेंट कर दे रहे बार बार कि थारा जो मतलब कनेक्शन फ्लाइट का सामान है वो आना बाकी है, होया को नहीं होया करके 3 बजा दी। और ना मैं उधर वाईफाई अंदर जान दी, भाई मैं डिले होगी, और जिस तरह मैं बैठन गई वो कॉरिडोर में चल रहा है एयरप्लेन में बैठन कर, तो मैं मैसेज कर दिया कि भाई बैठ गई, भीतर आने के बाद बेरा पटिया तो चल दिए को नहीं। वीडियो में देखी उड़ा तो ये चायपत्ती चायपत्ती इस उस बैग में थी, फिर उसमें सामान ज्यादा और मैं काट के उसमें ये स्पेशल असम की चायपत्ती है। दो मिठाई आई थिंक पेड़े थी, ये दो पेड़े इतने सारे पेड़े 2 किलो है या 2 किलो सर, दही किसी तीसी होगी। और ये मोहित ने चॉकलेट भेजी है, मोहित यानी मेरा छोटा भाई। ये मिल्क केक है, ओ मिल्क केक है, कौन पसंद है।